गुड मॉर्निंग गाइस, देखिए बाहर बहुत जोर का बारिश हो रहा है, बहुत ज़्यादा। इस बारिश के चक्कर में आज हम लोगों का उठने में भी सुबह लेट हो गया। अभी 8 बज चुका है, ऐसे भी हम लोग कहाँ जल्दी 5 बजे उठते हैं कभी, और बाहर एकदम बारिश हो गया है। ठंडा मौसम, और इस मौसम में सोने का मज़ा अलग है। और इस मौसम के साथ गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, वो तो ज़रूरी है। तो सुबह सुबह इसलिए और नींद खोलने के लिए हम बना रहे हैं अदरक वाली चाय। अभी चाय नहीं बना है, अभी सिर्फ दूध दिया हुआ है। अब इसमें अदरक डालेंगे, चाय पत्ती डालेंगे, चीनी डालेंगे और चाय बन जाएगा हम लोगों का सुबह का रिफ्रेशमेंट वाला चाय। हमारा ना कल रात का जो छोला भटूरा है तो उसका बहुत सारा बच गया था, मतलब मैदा गूंदा हुआ। तो हम लोग सोचे कि आज दोपहर के लंच में भी यही खा लेंगे, छोला भी बच गया है, तो इसलिए दोपहर में और अलग से कुछ लंच नहीं बनाए तो यही खाएंगे। देखते ऑयल गर्म हुआ या नहीं हुआ अभी तक गर्म। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। और ऐसे भी आज बारिश वाला संडे है, मतलब सैटरडे है ना, मुझे संडे क्यों लग रहा है आज? सैटरडे है, बारिश वाला सैटरडे है, तो आज कुछ काम करने का भी मन नहीं कर रहा है। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि आज थोड़ा रिलैक्स करें। तो तेल गर्म हो चुका है तो हम इसमें डाल देते हैं। अच्छे से गर्म नहीं हुआ अभी तक तेल, डाल दिए। चलो, ओहो इसको तो धुलना ही भूल गए। फूल जा, ये अच्छे से फूलेगा नहीं, पहला वाला फूलता नहीं है मेरे से। नहीं नीरज, तेल कम गर्म था ना इसलिए ऐसा हुआ है। तभी फूलेगा, करो ये हम सब सीख रहे हैं। पहले मुझे ये सब बनाना नहीं आता था, मतलब पूड़ी पराठा रोटी ये सब बनाना नहीं आता था। अभी मैं थोड़ा सीख रही हूँ, तो देखते कब तक मेरा मिशन सीखना कंप्लीट होता है। हमारा घर का गैस ख़त्म हो गया है, तो गैस वाले भैया आए हैं गैस देने के लिए, सिलेंडर देने के लिए। सिलेंडर का दाम प्राइस ना इस लास्ट कुछ दिन में इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि क्या बोले। तो देखिए आ गया है, दिखाते आप लोगों को भी। रख दीजिए। तो कितना पैसा लिया नीरज? 30 लिया है, 30 लिया, लेकिन 50 रुपए मांग रहा था और उसके अलावा पूजा के लिए और एक्स्ट्रा मांग रहा था ना। और पता है गाइस, हमारा वीडियो बनाना देख के ना वो थोड़ा ऐसे घबरा गया था, तो कुछ बोल नहीं पा रहा था ज्यादा। एक्चुअली हम लोग तो सिर्फ ऐसे ही वीडियो ले रहे थे उसका, कि हम लोग कंटेंट में दिखा सके, लेकिन वो पूरा घबरा चुका था कि हम लोग शायद कंप्लेंट कर देंगे, ये सोचा था। और एक्चुअली तो इन लोगों को मिलता नहीं है, वो तो ऐसे भी पैसा दे के भेजते हैं, लेकिन ये लोग तो लेते हैं एक्स्ट्रा पैसा के तौर पे। हाँ, उन लोग का तो डिलीवरी चार्ज इंक्लूड रहता है उसमें, बट ये लोग ऐसे ही लेते हैं। और ऐसे भी गैस का प्राइस आजकल इतना हाई हो चुका है, 911 लिया ना, 911 रुपीज लिया है सिर्फ गैस, एक गैस सिलेंडर का प्राइस, जो पहले कितना था? पहले कितना, 500-510 ऐसे कुछ रहता था, मतलब सब्सिडी छोड़ के। तो इतना ज़्यादा बढ़ गया, ऊपर से 50 रुपये एक्स्ट्रा, क्या बोले और इन लोगों का। तो ठीक है, और क्या कर सकते हैं, अगर देना पड़ेगा तो देना है, और क्या। तो ये मैं अमेजन से एक बाइक का एक्सेसरीज ऑर्डर किया था, चलिए आपको दिखाते हैं। एक्चुअली ये मैं बाइक का लॉक है, डिस्क लॉक है, जो मैं ऑर्डर किया था, क्योंकि बाइक को सेफ़ रखना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी रोड पे ही बाइक रह जाता है, तो इस तरह से चोरी होने का डर है, इसलिए हमने बाइक का एक पार्ट से। क्या लगता है क्या आया है ये? ये तुम्हारा बाइक का डिस्क लॉक है। ओह, मेरा कुछ सामान नहीं आया। तुम्हारा होगा, तुम्हारा एक क्रीम होगा। अच्छा, मेरा क्रीम आ गया जो ख़त्म हो चुका था, रखो अभी उस साइड में रखो। और ये क्या? ये डिस्क लॉक। इसमें क्या होता है? थोड़ा आवाज़ जोड़े, ये क्या है दिखाओ थोड़ा अच्छे से।
ये डिस्क लॉक है। क्या है दिखाओ ना। ये बाइक का डिस्क लॉक है, ठीक है, इससे तुम्हारा बाइक चोरी होने से बचेगा। ओ तो ये हमारा दुर्गा पूजा का सामान है। दुर्गा पूजा तो शुरू होने वाला है और बाइक से ही घूमना है, तो बाइक बहुत जरूरी है, सेफ रखना। तो ठीक है, ये अच्छा है। हाँ काफी अच्छा है, लग तो रहा है अच्छा है, अभी देखते हैं और। ओके तो अभी आए हैं शाम को थोड़ा मार्केट, क्योंकि अचानक से रात में चिकन खाने का मन कर दिया, तो अभी चिकन लेने आए थे, चिकन ले लिए हैं, वापस घर जा रहे हैं। तो रात में आज डिनर में चिकन बनेगा, चिकन के साथ और कुछ बनेगा पर चिकन जरूर बनेगा। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आज रात में हम लोग चिकन खाएंगे, तो चिकन आज हम बनाएंगे दही के साथ। तो यहाँ पे मेरा दही है, तो हम इसको पहले मैरिनेट करेंगे। हम अगर दही के साथ चिकन बनाते हैं ना, तो मैरिनेट करके ही बनाते हैं। तो पहले हम नमक दे रहे हैं, यहाँ पे मैं अपने मतलब अंदाज के अनुसार नमक दे रही हूँ। उसके बाद में तो पता, मतलब कुकिंग के टाइम पे जितना लगेगा उतना देंगे। उसके बाद देंगे हल्दी पाउडर, ये भी ऑयल में थोड़ा देंगे, इसलिए अभी इतना सही दे रहे हैं। और ये है लाल मिर्च का पाउडर, ऐसे कलर के लिए है कि अच्छा एक कलर आए, ऐसे भी दही देंगे तो अच्छा ही कलर आता है। और दे रहे हैं हम यहाँ पे है जीरा पाउडर, हम जीरा पाउडर थोड़ा ज़्यादा देते हैं। आप लोग पहले भी मेरा वीडियो में, हर वीडियो में अगर मैं कुकिंग दिखाती हूँ तो देखे हैं। और है धनिया पाउडर, तो ये है हमारा धनिया पाउडर। तो ये है सारा सूखा जो मसाला है, पाउडर मसाला, वो दे दिए। और ये ना मेरा एक स्पेशल वाला मसाला है, इसको हम लोग बोलते हैं भाजा मसाला। इसमें बहुत सारा मसाला एक साथ करके मतलब रोस्ट करके फिर इसको ग्राइंड कर लिए हैं, तो थोड़ा इसको देंगे, इससे अच्छे फ्लेवर आते हैं, इसलिए इसको देंगे। इसके बाद हम देंगे 3 बड़ा चम्मच के करीब दही, हम 3 चम्मच के करीब दही दे रहे हैं। उसके बाद अगर लगे कि और थोड़ा चाहिए तो और थोड़ा बाद में दे देंगे, थोड़ा सा और हम दे रहे हैं। और देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये वाला चिकन बनाना ना बहुत आसान है, सब कुछ एक साथ मैरिनेट कर लो और उसके बाद एकदम कढ़ाई में डाल दो, एकदम आसान से और बहुत इजीली और बहुत मतलब कम टाइम में बन जाता है। हम लोगों का आज का डिनर कंप्लीट हो चुका है बनके, और यहाँ पे है चावल और ये है चिकन का टलटला झोल, जो अभी तो मैं बंद कर चुकी हूँ लेकिन अभी तक ऐसे हो रहा है। और यहाँ पे है भिंडी का फ्राई जो अभी बन रहा है। तो यही होगा डिनर, और ऑलरेडी अभी 10 बज रहा है। आज तो ऑफिस नहीं, तो सैटरडे था, इसलिए हम लोगों का मतलब डिनर लेट से ही होता है। ऐसे नॉर्मली वीकेंड्स में हम लोग लेट से ही डिनर करते हैं, तो डिनर करें इसके बाद डिनर करेंगे। बन चुका है लगभग, इसको बंद कर देंगे अभी और उसके बाद हम लोग डिनर करेंगे और डिनर करके सो जाएंगे। कल एक नया दिन का शुरुआत करेंगे, नया एक जोश के साथ, नया ब्लॉग के साथ। देखते हैं आप लोगों को कैसे एंटरटेन कर पाते हैं। और अगर अच्छा लगे, कुछ भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट्स एंड शेयर, प्लीज़ एंड प्लीज़। तो आज के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।